अगर शारदा जाना हो जाएंगे ना भाई, ये 4x4 गाड़ी है। आप कितने बंदे हैं? हम तीन हैं। ठीक है, जाएगी गाड़ी, ये 4x4 गाड़ी होगी। ये गाड़ी आपके सामने, खाली ड्राप करना है या कितने देने हैं आपके? हमने सिर्फ वहीं ड्राप करना है। खाली ड्राप करना है 16,000 रुपये होंगे। 16,000 रुपया। कार पे जाते हैं तो कार आपसे ले लेगी तकरीबन 13,000। अच्छा, आपको 13 तक लेगी। गाड़ी कौन सी होगी, कार कौन सी होगी? कार में इस तरह की गाड़ी भी हो सकती है, मैरान भी हो सकती है, मैरान भी, और टूडी भी हो सकती है। टूडी भी हो सकती है। दोनों का रेट सेम होगा? 13 दोनों का रेट सेम होगा। 12-13 ऐसे ही है। अच्छा, ये होगा कि 15-16 तक हो जाएगा, 15-16। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात जो है वो आप ये लेके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रास्ता चेंज आए। जी जनाब, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे नमाज़ पढ़ के शारदा के लिए। तो शारदा वालों के लिए ना हमने सोचा कहीं लमसम गाड़ी करवा लें। तो यहाँ पे जो हैरुफ गाड़ी थी पिंडी अड्डा, हम पिंडी अड्डा आए हुए, निमा पढ़ के पिंडी अड्डा आए, और वहाँ पे हमने कहा कि शारदा के लिए गाड़ी करवानी है। अब शारदा के लिए गाड़ी करवाने के लिए हमने सोचा कि हम लमसम गाड़ी करवा लें। अब लमसम का सीन कुछ यूँ था कि कोई 24 मांग रहा था, कोई 25 मांग रहा था, 24,000-25,000। अब हम तीन बंदे, तो हमको तीन बंदों में हैरुफ पूरी खाली होती, और हम तीन बंदे 24-25,000 बहुत ज़्यादा पैसे हो रहे थे। तो उसी जगह कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जरिया बना देता है, तो अल्लाह पाक जरिया बनाया हमारे इस भाई को। इसकी गाड़ी इस भाई की है, और इस भाई ने हमें ये सजेशन दी है कि बेटा शारदा हम ले जाएंगे, तुमको कोई मसला नहीं है, बस ये है कि शारदा के लिए टिकट कितना है? 650 टिकट है। 650 का टिकट है शारदा का। अब मेरा, समा का और वकास का, हम तीन बंदे हो गए। अब कहने का मकसद ये है कि भाई ने कहा यहाँ से आप चले बैठे। लमसम गाड़ी का फ़ायदा ये होता कि आपको जहाँ दिल करता आप रुक जाते हैं। तो भाई ने हमें ये सजेशन दी कि आप हमसे ये गाड़ी बुक करवा लें, सीटें बुक करवा लें। बुक करवाने के बाद आप चले जाए लोकल में, लोकल हैरूफ है, हैरूफ है लोकल, वो आपको 2 घंटे में या 1.5 घंटे में वहाँ पहुँचा उतार देगी डैम पे। डैम पे आराम से घंटा पिंडा 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, तो जैसे यहाँ से निकलेंगे ना तो 7 बजे या 7:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। नंबर हम दूसरे का एक्सचेंज कर लेंगे, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि 4 बजे 4:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे डैम में। 2 घंटे बहुत है डैम में, और वहाँ पे आबशारी बह रही है वो भी दिखाएंगे, तो वहाँ पे मजा करेंगे, घूमेंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे। और जैसे 2-2.5 घंटे बजेंगे, 7 बजेंगे हमारी घंटी बजेगी, हम अलार्म रखेंगे, तो हम आके स्टॉप पर खड़े हो जाएंगे डैम के पास। तो हमारे ये भाई हैं, तो ये हमें यहाँ से पिक कर लेंगे। हमारी सीटें 6-7 ये भी सीटें भी हमारी चॉइस पर ही है, ये हमारी हाँ होगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जी जनाब, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हमने गाड़ी करवाई थी, तो गाड़ी की टिकट हमने करवा ली है। अब हम आ गए डैम के, बिल्कुल डैम के पास। ये डैम आप देख रहे हैं सामने से, कहाँ है ये, रही रहे ये पानी जा रहा है, डैम है, डैम का पानी है, और ये मशीनरीज लगी हुई है। आई होप नज़र आ रही होंगी आपको, ये मशीनरीज नज़र आ रही है, ठीक हो गया। और पानी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है यहाँ पर, जैसा ये कि ठंडक बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और सामने बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे आपको शायद, ये ठीक है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, पूरा बर्फ़ का पहाड़ पूरा के पूरा। और अभी भी हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जब गाड़ी आएगी हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखाएंगे, हम बर्फ़ के पहाड़ों पे खड़े रहेंगे। उसमें खड़े रहना है अपने को, उसमें क्या टाइट हो गई है वक़्त? नहीं नहीं नहीं, टाइट नहीं हुई, मैं बर्फ़ में जाके नहाऊंगा। चलो अपन चलते हैं नीचे, वरना ट्रक अपन उड़ा देगा। वैसे इस डैम की स्टोरी क्या है सामा? यार इस डैम की स्टोरी एक मिनट, वकास को भी दिखाओ, वकास इधर आ, इधर आ, इधर आ। डैम की स्टोरी जो है, वकास ने मुझे बताई है थोड़ी देर पहले कि ये तो बोलता ही नहीं है। हाँ नहीं, मुझे बताइए, इसके पैदा होने के पहले का डैम। वाओ, ये उसकी स्टोरी है। वाओ, ये पैदा हुआ ना उसके 1-2 साल पहले ये डैम बना था, बस ये था। 20-25 साल हो गया था, बस ये था। ऐसा ना हो रहा भाई, ये कट है। नहीं नहीं, मैं लगाऊंगा। जी
यहाँ पे शुतेरी क्या पहुँच गए नुसेरी नुसेरी पहुँच के हमने यहाँ पे नुसेरी डैम जैसे आपको पता है हम डैम देखने आए थे। अब डैम देख लिया था, अब रात का टाइम हो गया तो हमने सोचा कि बेहतर ये है कि सिम ले लें क्योंकि दो दिन तक हमें ये सर्वाइव करना है और हमारी सिम बंद हो चुकी है, यू फोन जोंग ट्रेन जो भी है बंद हो चुकी है। तो अभी हम सिम ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं? हैस्कॉम जी, हैस्कॉम सिम ले रहे हैं उसामा भाई के नाम पर, हमारे टच हुई है सो भाई के नाम पर ले रहे हैं हम सिम और फिर दो दिन ये सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव करने के बाद सिम ले जाएंगे घर पर, फिर हम सदका जा रही है कितना सिम चलाएँगे, जो भी आएगा सिम दे देंगे भाई चलाओ आके हमको सिम वापस कर दो। तकरीबन 8 बजने वाले हैं, थोड़ी सर्दी बहुत है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। हम इस वक्त जो है दशहरी पे खड़े हैं, नीलम जलम डैम जहाँ पे बना हुआ है। हमने सोचा था कि नीलम जलम डैम जो है विज़िट करके यहाँ से निकलेंगे शारदा के, तो यहाँ से तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है। हमने जो गाड़ी बुक करवाई थी वहाँ से मुजफ्फराबाद पिंडी अड्डा तो वो लोग अभी तक पहुँचे नहीं है, उन्होंने 7 बजे का हमें कहा था, तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है और हमें थोड़ा भी जो है ना डर और खौफ भी लगने लग गया था, पर यहाँ के एक मकामी बंदा हमें मिला, उसने जो है हिम्मत दी, वो कह रहा था कि भाई किसी भी वक्त आप हमें कॉल करें हम खुद आ जाएंगे, आप हमारे घर में स्टे कीजिए, तो उससे थोड़ी हिम्मत बढ़ी है। तो होपफुली गाड़ी आ जाएगी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हाँ। और वो जो तो ऑब्वियसली जो है डकैती वगैरह लूट मार लोग कह रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे, पर जब हमारा ट्रिप कंप्लीट होगा हमें तो तभी पता चलेगा ना, तो पक्को लोगों के वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो वेट कर रहे हैं, देखें अब मिलते हैं आपको आगे। चार घंटे हम शारदा पहुंच जाएंगे और फिर वहीं आपसे मुलाकात करेंगे।